नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज, आपके साथ मैं संदीप। चलिए शुरू करें खबरों का सिलसिला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता को बड़ी राहत देते हुए उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी को मंजूर कर लिया गया है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ लाभ के पद पर रहने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे खारिज करते हुए गुप्ता के हक में फैसला दिया। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये बेबुनियाद आरोप लगाया था। इसके अलावा कुमार विश्वास के बागी तेवरों को लेकर पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि उनसे संबंधित कोई भी बात मीडिया के माध्यम से नहीं की जाएगी। कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से जारी एक ऑडियो में कश्मीरी जनता को चेतावनी दी गई है कि अगर लोगों ने पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया तो उनकी आंखों में एसिड डाल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप में संगठन की तरफ से पूर्व में भी चुनाव के दौरान हत्या करने का दावा किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर जारी हुए इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि पुलिस की ओर से अभी नहीं की गई है। ऑडियो क्लिप में पहली बार सार्वजनिक तौर पर घोषणा की गई है कि पूर्व के चुनावों में भी हिजबुल मुजाहिदीन ने लोगों की हत्या की थी। रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी 11वीं क्लास के स्टूडेंट की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके पहले शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस मामले से संबंधित दो अन्य याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शनिवार को कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका पर एक घंटे तक बहस चली थी। चूंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपी को वयस्क मान चुका है, इसलिए सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का इलाज करने के लिए कोई नया तरीका खोज रहे हैं? इस बात के संकेत ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी के बयान से मिले हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ सामरिक धैर्य बनाए रखने और उसे प्रलोभन देने की बजाय अब इस्लामाबाद के साथ कुछ नया करने का वक्त आ गया है, ताकि पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए ऐसा सुरक्षित पनागा बनने से रोका जा सके जहां से आतंकवादी अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि कुछ नया का मतलब क्या है, लेकिन इसे बड़ी कार्रवाई का इशारा समझा जा रहा है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी के बाद जो सेलिब्रिटी कपल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की जोड़ी। दीपिका और रणबीर के मजबूत होते रिश्ते को लेकर एक और खबर सुनने में आ रही है। कहा जा रहा है कि दीपिका को अपने होने वाले सास ससुर यानी कि रणबीर के माता पिता की ओर से एक प्यारा सा तोहफा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दीपिका को डायमंड की महंगी ज्वेलरी के सेट के साथ सब्यसाची की एक साड़ी गिफ्ट की है। इससे साफ है कि दोनों की फैमिलीज भी इस रिश्ते को अपनाने का मन बना चुके हैं। तो टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, आप लगातार जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।